खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब के शहर रियाद से। अतरीस अहमद गंजा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में बॉक्सिंग के बैन अवी मुकाबले मुनक़द हुए, जिसमें बॉक्सिंग के बड़े मुकाबले में बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने अपने मध्य मुकाबल फ्रांसिस निगानो को हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी दरअल हुकूमत रियाज में रियाज सीजन की तफरी सरगर्मियों के हवाले से जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानब से बैन अवी बॉक्सिंग के मुकाबले मुनक़द किए गए, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के नामवर बॉक्सर्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले हुए, जिनको देखने के लिए जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख के अलावा हजारों मुल्की और गैर मुल्की शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। किंगडम अरीना में बॉक्सिंग के मुकाबलों में बड़ा मुकाबला हैवीवेट बॉक्सर एंथोनी जोशुआ और फ्रांसिस निगानो के दरमियान हुआ, जिसमें एंथोनी जोशुआ ने दूसरे ही राउंड में फ्रांसिस निगानो को नॉकआउट करके मुकाबला अपने नाम कर लिया, जिस पर इन्हें चैंपियन की बेल्ट समेत दीगर इनाम से नवाजा गया। इस मौके पर दीगर बॉक्सर का कहना था कि सऊदी अरब में बैन अवी खेलों का इनकार खुश आइन है और जिस तेजी के साथ सऊदी अरब में बॉक्सिंग का खेल तेजी से मकबूल हो रहा है, ऐसे मुकाबले होते रहेंगे। रिपोर्ट अदरीस अहमद गंजा, एचडी न्यूज़ रियाद।